गुड मॉर्निंग दोस्तों, खून में मेरी मिट्टी, मिट्टी में मेरी जान, अल सुल्तान। सुना है इसको कि नहीं? सुना है तो बिल्कुल मिट्टी से ही उठ करके आसमान तक चलना है। जीरो लेवल बेसिक मैथ की क्लास आपकी शुरू हो चुकी है सुबह 5 बजे, आप देखते हैं पीवीआर स्टडी इलाहाबाद पर और पीवीआर स्टडी ग्रुप चैनल पर शाम 7:30 बजे से, और फेसबुक पर यही सेम क्लास आप दोपहर 11 बजे देखते हैं। तो सुबह 5 बजे, दोपहर 11 बजे या शाम 7:30 बजे, आपके पास 3 ऑप्शन है और वो प्लेटफॉर्म अलग अलग। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान से देखना। कह रहा कि दो परिमेय संख्याओं यानी कि रेशनल नंबर का जो गुणनफल है वो -6/7 है। यदि इनमें से एक संख्या -8/5 है तो दूसरी संख्या बताओ। इसको तो ऐसे समझ लो हल्के में, जैसे कहा जाए कि दो संख्याओं का गुणनफल 32 है ना, 32 है, सिंपल सी बात है, हमने लिख दिया। यदि इनमें से एक संख्या 8 है तो दूसरी बताओ। इसको समझ में आ जाएगा ना, तो इसको तो समझ जाओगे एक चुटकी में। दो संख्याओं का गुणनफल हमने बताया कि 32 है, यदि उनमें से एक संख्या दी गई है तो दूसरी बताओ, तो क्या करोगे अब? अब ये तो मालूम है नहीं, अभी तो ऐसे आप लोगों ने चीटिंग कर लिया, 4 लिखा था मैंने इस पर, लेकिन ए मान लोगे, ये तरीका है लीगल। फिर ए लिखोगे, ये 32 इधर मल्टीपल में उधर जाएगा, डिवाइड में ये कट जाएगा, तो ए का वैल्यू जो है वो 4 आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना, तो इसको फट से नोट कर लो और फिर हम चलते हैं मेन क्वेश्चन पे। तो देखिए जो कह रहा है वैसे करना है, परिमेय संख्याओं का गुणनफल दिया है तो हम मान लेंगे, माना दूसरी संख्या पूछा है ना, लिख लीजिए माना दूसरी संख्या बराबर, चाहे तो ए मान लीजिए, एक्स वाई मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, एक्स मान लिया। अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा कि दोनों का गुणनफल जो है -6/7 है। किसका दोनों का? अरे दो परिमेय संख्याओं का। अब दो कौन कौन है ये नहीं मालूम, लेकिन हाँ एक दी गई है तो दूसरी पूछा है, दूसरी हमने मान लिया, तो इसका गुणनफल और इसका कर लो, तो ये -8/5 = -6/7। यही है पूरा पचड़ा, इसी को हल करना है। इधर ये गुणा में है, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा -6/7, ये भाग में हो जाएगा -8/5। याद रखना अगर कोई नंबर भाग में जाता है तो माइनस प्लस जैसा होता है अपना वैसा चिन्ह लेके जाता है। हल कर लो, बस हो गया। अब तो इसको हल करना जानते ही हो आप लोग, ऊपर ऊपर का कर लो, अंदर अंदर का मल्टीपल कर लो, तो एक्स इक्वल हो जाएगा -6 × 5 और ये 7 × -8, जो कट पिट रहा काट पिट, तो नहीं तो आंसर आ गया 2 से कटेगा, 2 × 6 = 8। पूरा कर लो, माइनस में था ये तो माइनस रहेगा, भूलना मत, ये -15/28, दोनों माइनस में आ रहा ना, तो भाई दोनों का हिस्सा बराबर है, प्लस कर दो, बात खत्म। यानी कि एक्स का जो वैल्यू आ गया वो 15/28 आपको प्राप्त होता है। नोट कर लीजिए जल्दी से, मैंने 28 लिखा है नीचे, बहुत अच्छा नहीं लिखा हूँ, लेकिन आवाज़ सुन रहे होगे तो लिख लेना। और हाँ, क्वालिटी चेंज कर लो सेटिंग से, बहुत मस्त दिख रहा है। एक बात और बता दें साथियों, क्लास को पूरा देखना, भागना मत बीच में, याद रखना, अगर स्किप करके देखोगे तो कुछ ना आएगा और पूरा देखोगे तो सब कुछ आएगा। होमवर्क नोट कर लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक करके लिख लीजिए, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। बस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मित्रों कुछ सवाल आपके सामने है, जरा ध्यान से देखना इनको। आपके ये है तो कक्षा 8 का, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में आया हुआ है, इसी कारण से ये फेमस हो चुका है। -4/9 में किस संख्या से गुणा कर दें कि -1 आ जाए? अब बताओ ऐसा क्या कर दें, ऐसा क्या कर दें कि बिल्ली भालू बन जाए, बताइए। देखो इसका एक तरीका है, सीधा सा बात है, नंबर है -4/9, इसको गौर से देखना, क्वालिटी चेंज कर लोगे फुल HD दिखेगा, चाहे लैपटॉप में देखो, कंप्यूटर में देखो, TV में देखो, कहीं भी देखो। लाना -1 है, देखो -1, माइनस की बात तो छोड़ दो, माइनस तो ऑलरेडी इसमें लगा है तो माइनस में आएगा ही, 1 आ जाए भाई। 1 कब आएगा? जब ये कट पिट जाए आपस में। और ये कटेगा कब? जब इसका अपोजिट ऊपर रख दें और इसका अपोजिट नीचे रख दें, ये 9 से 9 कट गया, 4 से 4 कट गया, सारा मामला क्लियर हो गया। -1/1 ये 1 ये भी 1, यानी कि -1/1 और ये 1/1, फाइनल में 1 आ गया ना, है ना कितना मजेदार। तो अगर इसी तरह का कहीं भी आपसे सवाल पूछा जाए, कोई भी संख्या दी गई हो बीच में किससे पूरा करें कि -1 हो जाए, तो आप लोग उसी संख्या को पकड़ करके पलट करके पूरा करोगे, ठीक ना? ये देखो तरीका समझ में आया ना। और हाँ, ये तो हमारे इंटरव्यू में पूछा गया था। अब आप कहेंगे कौन सा इंटरव्यू, आप तो जॉब करते नहीं, कहते हैं जॉब करेंगे नहीं, तो फिर इंटरव्यू कहाँ हुआ था?
इंटरव्यू ऐसा ही हुआ था, पीबीआर स्टडी की शुरुआत ऐसे नहीं हुई, पहले हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना शुरू किए थे, तो वहाँ पर जब पढ़ाने गए तो प्रिंसिपल साहब तो चुपचाप बैठे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन वहाँ एक कहते हैं ना कुछ लोग ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, तो वैसे एक वहाँ से ज़्यादा बुद्धिमान वाले आए थे, उन्होंने मुझसे कहा और क्या करने आए थे वो अपने बच्चे का एडमिशन करवाने, कहा था अच्छा तो पढ़ाओगे, हमने कहा हाँ पढ़ाएंगे, तो बोला अच्छा ठीक है एक क्वेश्चन बताओ, हमने कहा चलो ठीक है पूछिए, तो उन्होंने कहा कि ये बताओ दो में क्या जोड़ दे कि जीरो हो जाए, मतलब टू में क्या ऐड करें कि शून्य हो जाए, जल्दी से बताओ, अब आप लोग भरभीत हो जाएंगे भाई जोड़ेंगे तो इससे ज़्यादा होगा, ये तो शून्य कैसे कह रहा है, होता है मैथ में, वो ज़्यादा तो नहीं पढ़ा है लेकिन होता है, देखिए इसको जीरो करना है ना इसमें जोड़ना है, तो चलो ठीक है हर्दी लगे ना फिफ्टी पढ़ा है, उसके बाद क्या करोगे इसमें उसी का अपोजिट जोड़ दो, प्लस माइनस ये खुलेगा टू हो जाएगा इक्वल जीरो हो जाएगा, यानी कि टू में माइनस दो जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, उसके बाद जब मैंने इसको बता दिया तो उन्होंने फिर आगे कुछ बोला ही नहीं, सारी बात हो गई क्लियर, और फिर हम 1500 रुपये प्रति महीने में पढ़ाना शुरू कर दिए, जो कि आप लोगों की कृपा से 1500 रुपये पर डे का अर्निंग अब हो जाता है, आगे चले अब इन दोनों सवालों को आप खुद से करोगे, घर से करके ले आना चाहे बाहर बैठ के करके करके लेके आना, ठीक ना। चलिए देखिए साथियों अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे निरपेक्ष मान और सापेक्ष मान, लेकिन उसके पहले ये सब रिवीजन कर लो जल्दी से फट से, क्लास छोड़ के मत जाना, सिखाने की गारंटी होगी अगर पूरा क्लास देखोगे तब, नहीं देखोगे तो फिर राम जाने देखना, और हाँ राम वही जाने का जो आप करोगे, कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि भगवान सिर्फ लकीरों में रंग भरता है, उन लकीरों को खींचना हमें ही पड़ता है, अगर बैठ जाओगे चारपाई पर आराम से राम राम जपोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं, जब तक कुछ खुद से करोगे नहीं, अगर खुद से कुछ करोगे तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही, अगर प्रार्थना करोगे तो भगवान से मांगना पड़ता है, ठीक ना, कर्म करोगे तो भगवान को देना पड़ता है, मतलब समझ रहे हो दोनों में अंतर होता है, मांगना और देना दोनों में अंतर होता है, तो मांगो मत ले लो, यहाँ पर पॉइंट लगा है, यहाँ पर भी पॉइंट लगा है, क्या करोगे ऐसी स्थिति में। वैसे तो फ्रैक्शन हल करना आप लोग जानते हैं, बचपन में सीखा है और जवानी में भी सीखा है, बुढ़ापा में भी सीखेंगे, ये सब आप लोग जानते हैं, है ना, लेकिन अगर यहाँ डेसिमल लग जाए तो क्या करोगे। देखिए डेसिमल लग जाए तो पहले तो डेसिमल हटाएंगे, हमने आपको बताया अगर किसी को कई बीमारियाँ हैं तो एक एक का इलाज करते हैं, ऊपर एक अंक पर दशमलव था हटाया तो नीचे एक जीरो बढ़ गया, बीच में प्लस था वैसे लिख दिया थ्री, नीचे से थ्री पॉइंट हटा दोगे वन डिजिट पर लगा था तो ऊपर वन जीरो हो जाएगा, ये इसका रियल फेस आ गया, अब इसको आपको हल करना है। चलिए ठीक है आगे चलते, जो कट पिट रहा है कट पिट दो, ध्यान देना यहाँ प्लस का चिन्ह लगा है ना, पॉजिटिव साइन है तो आप इसमें से क्रॉस नहीं काट सकते हो किसी को, जैसे कहो 70 से 30 को काट दो तो नहीं कटेगा, अगर बुरा का चिन्ह होता तो कट जाता, घटाने का चिन्ह रहेगा तब भी नहीं कटेगा, तो करोगे क्या। हाँ इसको काट सकते हो बड़े प्यार से, कितने से कटेगा ये, तीन से कटेगा, तीन दाम तीस, तीन सत्ताईस 21, ये भी कट जाएगा क्या, 5 एकम 5 आप जानते होंगे 14 5 70 होता है, इसमें से कुछ लोग को तो पहाड़ा हुए नहीं आता है, क्या करेंगे, तो पहाड़ा वहाड़ा तो याद कर लो प्रिय मित्रों विद्यार्थियों, और आगे क्या बोले भैया नहीं बोलेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों की शिकायत आती है कि इस क्लास में भैया के सिवा दीदी भी होती है तो आप उनको काहे छोड़ देते हैं, तो अब हम किसी को ना बोलेंगे। देखिए आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीपल कर लो चाहे तो एलसीएम कर लो, तो एक तरीका आसान है एलसीएम निकाल लीजिए, नीचे ना दिखेगा हो सकता है तो मैं नहीं लिखूंगा, एलसीएम निकाल लो 7 और 14 का एलसीएम 14 हो जाएगा, जब 14 को इस 14 से डिवाइड करोगे जैसा कि रूल है हम आगे पढ़ा चुके हैं अभी बताएं, तो 1 आएगा और 1 का इसमें मल्टीपल करोगे तो ये 1 हो जाएगा, है ना, 14 को 14 से डिवाइड किया 1 आया, 1 का इसमें मल्टीपल किया 1 हो गया, प्लस 14 एलसीएम में 7 से भाग किया 2 आया, और जो 2 आया उसका 10 में मल्टीपल किया तो ये हो गया, और इस तरह से फाइनल में आपका 21/14 आ गया। इसको क्या करोगे अब, काट पीट लो, कट पीट रहा है तो इसमें हमारा क्या जाता है 3 7 21, 3 से कटेगा भी, दिमाग वाग सही है कुछ ना कटेगा भाई, देखो ये दिमाग थोड़ा उठना करिए, आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने सोचा होगा हाँ जब बोल ही रहे तो काट ही लो, कैसे काट लोगे अपने मन से, ये सम संख्या विषम संख्या है ना, ये सम है ये विषम है, आठ इवन नंबर आपस में कभी नहीं कटेंगे, इसको जल्दी से छाप लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सिस्टम पर, क्लास पूरी देखना बार बार बोल रहा हूँ, छोड़ के मत जाना, और चाहे कोई क्लास पीबीआर स्टडी की आपको 5 मिनट का मिले उसको
उसको जरूर देखिए, जो वीडियो क्लास होती है ना, जितना छोटी होती है उतना ही खोटी होती है, गागर में सागर भर के देते हैं आपको हम। तो इसलिए ये मत सोचिए कि छोटी क्लास है तो कुछ होगा नहीं, इसमें छोटी क्लास में बहुत कुछ होता है। देखिए इसका मन क्या आएगा, ध्यान से देखना। देखिए साथियों, इस समय आप जान रहे हैं कि 31 और 1-2 तारीख में हम रहेंगे दिल्ली में, और इस वजह से आपकी क्लास जो है ऑलरेडी पहले से रिकॉर्ड करके अपलोड की जाती है, जिससे कि आपका क्लास मिस ना हो। हम कहीं भी रहें दुनिया में, अगर जिंदा रहेंगे तो क्लास चलती रहे, यही उद्देश्य होता है। इस कारण से अगर हम 4-6 दिन पहले कहीं जाने का प्लान बनाते हैं तो आपका पहले क्लास रेडी कर देते तभी जाते हैं। अब क्या करोगे, यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो ऊपर से डेसिमल हटाओगे तो नीचे 0 बढ़ेगा, 150 बन जाएगा, और फिर गुणा का चिन्ह लगाओगे, ये 3/5 का हो जाएगा 15, यहाँ का दशमलव हटेगा ये, तो ऊपर इसके बदले 0 बढ़ जाएगा। बस काट पीट लो, कट पीट रहा है, जरा ध्यान से देखना। ये तो बहुत आसान है, आप नीचे ऊपर भी काट सकते हो, अगल बगल काट सकते हो, चूँकि यहाँ मल्टीपल का चिन्ह है ना। काट लोगे तो छोटा हो जाएगा ये, 15 2 9 30, 15 1 15, 3 1 3, 3 5 6 15, ये लो आ गया, बहुत आसान सा है ना, आसान सा है। तो ये भी तो अभी कट रहा है ना, 2 से काट दो, ये देखो 25 आ गया, कितना आया 1/25। हाँ तो हम एक बकैती बीच में बता रहे थे आपको, पहले से क्लास रिकॉर्ड करके अपलोड किया जाता है, इस कारण से आपकी क्लासें 10 मिनट की भले हो रही है 20 मिनट की, लेकिन उसमें बहुत सारा टॉपिक होता है। अगर आप देखो तो हम आपको उसी में होमवर्क भी दे देते हैं घर के लिए। और हाँ ये मत सोचिए, जो वीडियो रिकॉर्डेड होता है ना वो बहुत मस्त होता है, टाइम की सेविंग होती है काफ़ी। और साइड में जो दिया दाहिनी साइड उसे पढ़ लीजिए। देखिए साथियों, माइक्रोफोन नहीं लिया था, आवाज़ बहुत कम होगी, बड़े दुख की बात है, क्या बोलूँ मैं आपसे आगे। और इसको फ़िलहाल कर लेना, अब आगे कुछ नहीं कहेंगे। अभी देखते हैं इस क्लास की क्वालिटी क्या है, अगर आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी तो आपको पब्लिश किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, चलते हैं।